नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, बेईमानी का नतीजा हमेशा गंदा ही होता है। ये बात समझाने के लिए मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूँ। आज की कहानी का शीर्षक है बेईमानी का फल। किसी गांव में एक सुनार रहता था। सुनार के पास बहुत सा धन था। अब जब उस सुनार ने उसी गांव के एक सेठ से कुछ धन लेकर बेईमान हो गया तो लोगों का विश्वास उसके ऊपर से उठ गया। लोगों ने उससे गहने बनवाने बंद कर दिए, उससे व्यापार करना बंद कर दिया। इससे उसकी हालत दिन पे दिन बिगड़ती चली गई और अंत में वह इतना गरीब हो गया कि उसके खाने के भी लाले पड़ गए। उस सुनार के पड़ोस में एक ब्राह्मण भी रहता था। दोनों आपस में अच्छे दोस्त थे। एक दिन ब्राह्मण ने सुनार की हालत देखकर कहा, चलो इस गांव को छोड़कर कहीं दूसरी जगह व्यापार करने चाहते हैं। और वो दोनों मिलकर एक शहर में पहुंच गए। उस सुनार ने अपने गहने सजा लिए और पंडित जी अपनी पोथी लेकर बैठ गए। समय बीतता गया, दोनों का काम अच्छा चल निकला। अब कुछ महीने बाद पैसे कमाकर सुनार ने पंडित से कहा, चलो घर चलते हैं। इस पर पंडित ने कहा, मुझे नहीं जाना, अगर तुम्हें जाना है तो चले जाओ, मैं 2-3 महीने बाद आऊंगा। तब सुनार ने कहा, ठीक है मैं जाता हूँ, घर पर कुछ चिट्ठी पत्री या पैसे भिजवाने हैं तो मुझे दे दो। इस पर पंडित ने सुनार को 5,000 रुपए और एक चिट्ठी अपनी पत्नी को देने के लिए दे दी। सुनार खुशी खुशी घर चला गया क्योंकि उसने काफी पैसा कमा लिया था। और जब वो घर पहुंचा तो उसने अपनी पत्नी के हाथ में 10,000 रुपए दिए और कहा, इसमें से 5,000 रुपए पंडित की बीबी को दे आओ, ये पंडित ने भेजे हैं अपने घर खर्च के लिए और ये चिट्ठी भी दे आना। इस पर सुनार की जो पत्नी थी वो राजी नहीं हुई, उसके मन में पाप आ गया। उसने उस पंडित का पैसा हड़पने की कोशिश की और अपने आदमी को भी समझा लिया और अपने आदमी से कहा कि पंडित हमारा क्या बिगाड़ लेगा, आने दो, ये पैसा हम अपने खर्च में लगा लेते हैं। इस पर पंडित के घर की हालत दिन पर दिन बिगड़ती चली गई। उसके बच्चों के पास खाने के लिए पैसा भी नहीं था। पंडितानी भी इधर उधर काम करके अपना गुजारा कर रही थी। उसके घर की स्थिति अच्छी नहीं थी। जब 2-2.5 महीने बाद पंडित जी अपने घर आए तो उन्होंने अपने घर की हालत देखी कि उसके बच्चे मैले कुचैले कपड़े पहने हुए हैं, उसके घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं है, तो उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। मैंने सुनार के हाथ 5,000 रुपए भिजवाए थे, क्या तुम्हें मिले नहीं हैं? ये बच्चों की क्या हालत बना रखी है? इस पर पंडितानी भी रोने लगी। उसके दिल का दर्द आंखों में छलक आया। उन्हें कहा, सुनार ने हमें कोई पैसा नहीं दिया है, पैसा तो छोड़िए चिट्ठी पत्री भी नहीं दी है। इस पर पंडित जी को बड़ा गुस्सा आया और वे दौड़े दौड़े सुनार के घर गए। सुनार ने उन्हें राम राम किया और वो समझ गया कि वो पैसे लेने आए हैं। जब पंडित ने उससे पैसे की बात की तो वो सीधे मुकर गया, कौन से पैसे, कैसे चिट्ठी। इस पर पंडित समझ गया कि ये सीधी तरह से मानने वाला नहीं है। खैर, वो अपनी अर्जी लेकर कोतवाल के पास गए और कोतवाल को वो चिट्ठी दिखाई और सारा वृतांत कह सुनाया। इस पर कोतवाल समझ गए कि सुनार के मन में पाप आ गया है। खैर, वो 2 सिपाही को लेकर उसके साथ गए। सुनार कोतवाल के सामने भी मुकर गया कि मुझे पंडित ने कोई पैसे नहीं दिए हैं। तभी एक सिपाही अंदर गया और उसे वो चिट्ठी मिल गई जो पंडित ने सुनार को दी थी। अब उसके पास 2 सबूत थे। उसने सुनार के कान पर 2 लगाए और सारा सच उगलवा लिया। तभी कोतवाल ने सुनार को डांटते हुए कहा कि जाओ जल्दी से अंदर से पैसे लेकर आओ। तब सुनार 10,000 रुपए लाकर पंडित को दिए। यो चिट्ठी पत्री में इकरारनामा हुआ था, जो एग्रीमेंट हुआ था। इस पर कोतवाल ने कहा, तुम्हें 2,000 रुपए पंडित को और देने पड़ेंगे क्योंकि तुमने बेईमानी की है। तब उस सुनार ने 2,000 रुपए और दिए और उसके बाद कोतवाल ने उसे सजा के तौर पर कारागार में डाल दिया। उसके कारागार में जाने से सुनार के घर की हालत बिगड़ गई और जो सुनार की पत्नी के मन में पाप आया था वो भी दाने दाने के लिए मोहताज हो गई। उसकी पत्नी को मांग मांग कर गुजारा करना पड़ा। दोस्तों, ये होता है बेईमानी का नतीजा। आप व्यापार करें या किसी से भी कोई लेन देन करें, लेकिन मन में पाप ना लाएं। एक बार अच्छी तरह सुन लीजिए, अगर आपके व्यवहार में पाप है, अगर आपके लेन देन में पाप है, अगर आपके दिल में खोट है, तो आप किसी भी चीज में सक्सेस नहीं हो सकते, किसी भी चीज में उन्नति नहीं कर सकते। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।